हाय गाइस, वेलकम टू मम्मीज किचन। हमने इसमें एक बड़ा प्याज डाल दिया है और एक चम्मच जीरा। अच्छे से गोल्डन होने आ गया है, तो बस अब इसमें हम डाल देते हैं एक टमाटर, कुछ इस तरह से कटिंग करके। इसमें थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर फटाफट पक सके। ठीक है, टमाटर अच्छे से गल जाते हैं नमक डालने से। हम डाल देते हैं इसमें 6-7 काजू, अच्छा हो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, सारा अच्छा गरम मसाला भून के पिसा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सारा गरम मसाला अच्छा भून के आप ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास अच्छा भुना हुआ सारा मसाला रखा है, तो मैं वही उसमें यूज़ करूँगी। हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर। ठीक है, तो हम भून ले रहे हैं इसको इसमें अच्छे से। हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच अच्छे से फूल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा आधा चम्मच डाल देती हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेते हैं फ्राई, अच्छे से फ्राई। टमाटर अच्छे से गल गया है तो हम इसको पीस लेते हैं। ठीक है, तो हम डाल लेते हैं पनीर को इसमें अच्छे से कर लेते हैं फ्राई, और नींबू लगा के रख दिया था, तो बस निकाल लेते हैं प्लेट में। इसको कर लेते हैं फ्राई प्याज लमीर। हमने इसको कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया है चौकन चौकन। ठीक है, बीज निकाल दिया है इसके, और प्याज को भी कुछ इस तरह से कटिंग कर दिया है। तो इनको 2-3 सेकेंड तक अच्छे से ऐसे ही भूनना है, तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, इसको निकाल लेते हैं। लेते हैं 2 चम्मच तेल, हमने डाल दिया है बर्फ। हम डाल देंगे जो हमने पीसा है काजू का, ऑनियन और टमाटर को, जो हमने जीरा वीरा इसी में डाल के अच्छे से पीस लिया है। ठीक है, लेते हैं अच्छे से मिक्स, अच्छे से भुना हुआ मसाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने इसी में डाल दिया था, और टमाटर और एक बड़ा प्याज और जीरा, हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पीस दिया है। ठीक है, इसमें सारे जो भुने हुए मसाले, हमने बड़ी सौंफ, जीरा और अक्खा धनिया, बाकी सारा सूखा गरम मसाला अक्खा वाला हमने मिक्स करके पीस लिया है। ठीक है, बस हम इसमें सब कुछ डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, 2 चम्मच पनीर मसाला देंगे, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, हमने अक्खा मसाले में भी पीसा हुआ है धनिया, तो हम बस इसको कर लेते हैं मिक्स। ऐसे मसाले अच्छे भूनने दो, लगा देते हैं ढक्कन 1-2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए, मसाला भूनते समय नमक डाल दिया था, अभी डाल देते हैं स्वाद अनुसार सबके हिसाब से। बड़ा अच्छा प्याज हमने रख लिया है, और पनीर के हिसाब से हम डाल देते हैं। ठीक है, अच्छे से मिक्स डाल देते हैं जो हमने ये फ्राई करके रखा है, कर देते हैं इसको भी अच्छे से मिक्स। मिक्स लगा देते हैं ढक्कन, थोड़ा शिमला मिर्च पकने तक। ठीक है, गरम पनीर था। ठीक है, तो हमने इसमें अच्छे से कर दिया है मिक्स, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए और खाइए, एकदम टेस्टी और मज़ेदार कढ़ाई पनीर। चलो मिलते हैं कुछ टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।